देखो एग्जांपल नंबर सेकंड में क्या है, इफ वी वन एंड वी टू बी द वेलोसिटीज एट द एंड ऑफ ए फोकल कॉर्ड प्रोजेक्टाइल पाथ एंड यू द ओरिजिन कंपोनेंट द वेलोसिटी शो दैट वन बाय वी वन स्क्वेयर प्लस वन बाय वी टू स्क्वेयर इक्वल टू वन बाय यू स्क्वेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल पाथ क्या है इस केस में हमारे पास, प्रोजेक्टाइल पाथ का मतलब है पैराबोला, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्या एक पैराबोला गिवन है, पैराबोला गिवन है भाई, और पैराबोला के मैंने जस्ट पीछे बता रखा है कि ये हमारी क्या होती है डायरेक्ट्रिक्स, क्या नाम है इसका डायरेक्ट्रिक्स। और पैराबोला के वैसे हमने मैंने तुम्हें बोर्ड पे बना के दिखाया हुआ है कि ये मेरा क्या होता है पैराबोला होता है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होता है और ये इसका क्या होता है वर्टेक्स। अब इस तरह दिया हुआ है तो ये हमारा क्या हो गया वर्टेक्स हो गया, ये मेरी क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स। फिर ये कहता है कि क्वेश्चन के अंदर एक फोकल कोड ले ली, हमें पता है कोड क्या होती है जो सर्कल के एक एंड पॉइंट से लेके दूसरे एंड पॉइंट तक जो काटती है वो हमारे पास क्या होती है इसकी कोड होती है। तो मैंने पी क्यू क्या ले ली कोड ले ली। अब वो कहता है कोड के एंड पॉइंट पे हमारे पास क्या है टेंजेंट्स है, कोड के एंड पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ले ली जो वी वन वेलोसिटी है जिसकी, इसी तरह क्यू पॉइंट से मैंने एक क्या ले ली टेंजेंट ले ली जिसकी वेलोसिटी है वी टू। और वो कहता है कि हमारे पास मैंने मान लिया कि ये थीटा एंगल बना रही है, गिवन सिर्फ हमारे पास ये है कि वी वन वी टू वेलोसिटी है टेंजेंट्स की और हमारे पास क्या दे रखा है ये दे रखा है कि बुक के अंदर वो दोनों के दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं हमें पता है कि एक टेंजेंट जब दूसरे टेंजेंट को कट करते हैं तो वो दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है भाई 90 डिग्री का दे रखा है। अब देखो ये 90 ये थीटा, जब मैं इस ट्रायंगल के अंदर जाती हूँ तो मेरे पास ये एंगल थीटा ये पाई बाय टू तो कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर देखो ऐसे सोल्व करते हैं हम थीटा प्लस पाई बाय टू प्लस मान लो इसका हमें पता नहीं है इजिकल टू 180, तो एक्स इजिकल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा कितना आ गया 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से आ गया 90 माइनस थीटा। अब फिर ये लीनियर पेयर थे कितना बचेगा 90 प्लस थीटा। और एक और ये भी दे रखा है कि हमारे पास किसी टाइम टी के बाद उसकी जो वेलोसिटी है यू है, ठीक है यू यहाँ पे वेलोसिटी। अब देखो जब मैं इसका क्या लेती हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी वन कोस थीटा, हमारे पास 8.6 आर्टिकल के अंदर दिखाया हुआ है ये चीज, जब मैं दूसरे पार्टिकल का क्या निकालती हूँ एंगल निकालती हूँ वो क्या आता है ओरिजिनल वाले का। अब देखो जो ये ओरिजिन के साथ कितना एंगल बना रहा है, जब मैं इन दोनों को कंसिडर करती हूँ तो दूसरे वाला एंगल इक्वल टू में यू कोस ऑफ क्या बनेगा जीरो ही बनेगा ना। इसी तरह अगर मैं इस वी टू वाले का लेती हूँ वी टू कोस कितना एंगल बना ओरिजिन से पाई बाय टू माइनस थीटा, या तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये क्या बना रहा है यू कोस जीरो। अब इन दोनों कंसिडर करके चल रही हूँ, अब देखो यहाँ से क्या आ गया वी वन कोस थीटा इक्वल टू कोस जीरो तो वन होता है, यहाँ से कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ये आ गया यू, ठीक है भाई कोस थीटा की वैल्यू तो आ गई यू बाई वी वन, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी यू बाई वी टू। अब मुझे निकालना है क्या है, मुझे निकालना है वन बाई वी वन स्केयर प्लस वन बाई वी टू, मतलब ये पता चल गया दोनों को स्केयर भी करना और एड भी करना है। तो मैंने क्या करवा दिया स्केयरिंग और एडिंग करवा दी, पहले स्केयरिंग करवाई तो कोस स्केयर थीटा क्या आ गया यू स्केयर बाई वी वन स्केयर, सेकेंड को कराया साइन स्केयर थीटा प्लस यू स्केयर बाई वी वन सॉरी यहाँ आएगा वी टू स्केयर, ठीक है भाई। फिर जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन, यहाँ से देखो यू स्केयर बाई वी वन स्केयर यू स्केयर बाई वी टू स्केयर दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है यू स्केयर, तो यहाँ से वन बाई वी वन स्केयर प्लस वन बाई वी टू स्केयर किसके बराबर आ गया वन बाय यू स्केयर। ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर सेकेंड।